नमस्कार मैं हूं अभय कुमार आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र की विशेष पेशकश गांव की सरकार गांव की सरकार में हम आज आपको बताएंगे बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है ग्राम कचहरियों को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है कहने का मतलब यह है कि ग्राम कचहरी के जितने भी मुकदमे होंगे और जैसे मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरा ऑनलाइन किया जा रहा है अब सारे मुकदमे आपको ऑनलाइन दिखेंगे जैसा पटना के हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे आप देखते हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स जो है, उसका जजमेंट डाउनलोड करते हैं आपकी केस की क्या स्थिति है सारी चीजें पता चल जाती है तो ग्राम कचहरियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है इसका नाम दिया गया है ई ग्राम कचहरी का क्रिया होने वाला है जी हाँ इसके लिए चिट्ठी जारी कर दिया गया है और चिट्ठी जारी किए हैं विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल शरण ने उनकी चिट्ठी 18 तारीख को जारी किया गया है अब इसके माध्यम से ग्राम कचहरियों को पूर्ण पूर्णतः ऑनलाइन किया जा रहा है तो क्या है पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं तो ई ग्राम कचहरी किरान है तो आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में सारे सरपंच और पंच और उप सरपंच को और न्याय मित्र हो ग्राम कचहरी सचिव हो उनके लिए अब आईडी पासवर्ड उनको उपलब्ध करा दिया गया है सारे मुकदमों को अब अपलोड करेंगे उसकी स्थिति को अपलोड करेंगे क्या मुकदमा चल रहा है पूरी जानकारी आपको सिर्फ एक क्लिक पर मिल जाएगा इस विषय में जो चिट्ठी है कहा जा रहा है कि राज्य के सभी ग्राम कचहरियों में दायर फौजदारी मामलों के हेतु ई-ग्राम कचहरी लागू किया जा रहा है किया जा रहा है इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को जिलों में पदस्थापित प्रोग्रामर एवं वैसे जिले जहां प्रोग्रामर पदस्थापित नहीं है उनके स्थान पर ई पंचायत सॉफ्टवेयर के नोडल को ई ग्राम कचहरी के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है इससे पहले भी हम आपको खबर दे चुके हैं कि ग्राम कचहरियों में कुछ क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है इसको पूर्णतः डिजिटलाइज किया जा रहा है पूर्णतः इसको ऑनलाइन किया जाएगा अब उसका प्रशिक्षण चल रहा था तो प्रशिक्षण दे दिया जा चुका है अब प्रक्रिया है इसको की कि ग्राम कचहरियों के जितने भी सरपंच पंच सरपंच हैं और जो ग्राम कचहरी सचिव हैं उनको आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो सारे मुकदमे को सारे जो कार्रवाई हो रही है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर सके अब हम आपको बता देंगे प्रशिक्षण जिनको दिए गए हैं दिए जाने के क्रम में सभी प्रशिक्षण कार्यो को अपने अपने जिले के ग्राम कचहरी सरपंच उप सरपंच पंच ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों को ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर नाम पद नाम एवं सूचना एंट्री किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था उस आलोक में जिला आईडी एवं पासवर्ड पत्र के साथ संलग्न किया गया है जो चिट्ठी दिया जा रहा है जो चिट्ठी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं इसके साथ आप इनका पासवर्ड और आईडी दिया जा रहा है जो गोपनीय है मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं लेकिन इससे बहुत फायदा होने वाला है सख्त निर्देश दिया गया है कि 20 अगस्त तक निश्चित रूप से सभी जिले के ग्राम कचहरी सरपंच उप सरपंच पंच और ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्याय मित्रों को ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर नाम पदनाम एवं सूचना एंट्री किया जाना सुनिश्चित किया जाए सख्त चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी के माध्यम से यह जानकारी दिया जा रहा है कि आप जो भी सूचना है जो चिट्ठी में दर्ज है उसको ग्राम कचहरी के जो वेबसाइट है, है उस पर दर्ज किया जाए अब इसका जो इस उपयोग कैसे होगा उपयोग कैसे होगा इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे और बनाने बनाने वाले हैं जो आम लोग कैसे ऑनलाइन अपना मुकदमा दर्ज करें कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं कि अपना उनका क्या स्थिति है केस का उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाया हुआ बना दे रहे हैं जिसमें हम करके आपको डेमो देख दिखाएंगे तो पहले फिलहाल हम जानते हैं कि यह ई ग्राम कचहरी की शुरुआत की गई है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम स्तर पर विवादों को त्वरित पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से निपटाना है ई कोर्ट के तहत ग्राम कचहरी में होने वाले सभी कानूनी कार्रवाइयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा इस प्रक्रिया को सरल सरल पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकेगा जब यह पोर्टल पर सभी को दिखेगा तो इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम किया जा सकता है अब इसका उद्देश्य तो आप समझ गए हैं ई ग्राम कचहरी के माध्यम से सभी कार्रवाई को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड होगा संरक्षित होगा जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी समय की भी बचत होगी प्रारंभिक प्रक्रिया में मामलों के निपटारे में काफी समय लगता था ई कोर्ट के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है इसके बारे में प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि ग्राम कचहरी के माध्यम से सभी दस्तावेजों और मामलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा उनकी पहुंच आसान हो जाएगी ऑनलाइन शिकायत सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण ग्रामीण जनता अब घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेगी जिससे ग्राम कचहरियों तक उनकी पहुंच और अधिक सरल हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता ई कोर्ट पहल से ग्रामीण जनता को तकनीकी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की जानकारी और अवसर मिलेगा जिससे उनका तकनीक साक्षरता बढ़ेगा तो यह बहुत बड़ा बिहार में कदम है बिहार बहुत पहला राज्य ऐसा है जहां अब ई कोर्ट के माध्यम ग्राम कचहरिया ई कोर्ट के माध्यम से अपना फैसला का जो लेखा जोखा है उसको अपलोड करेगी फैसला सुनाएगी कोई परिवादी है कोई वादी है अपना जो मुकदमा है ऑनलाइन दर्ज कर सकता है और ऑनलाइन सुनवाई होगी इसका तो बहुत बड़ा कदम है अब यह मामला यह आता है कि जिनको डिजिटल रूप से जानते नहीं है कि कैसे इसका उपयोग करें जो सरकारी कर्मी है ग्राम सरपंच साहब है इनके पास तो नोडल अधिकारी है और इनके साथ सचिव हैं यह तो कर देंगे अपलोड कर देंगे डिजिटल के जो भी है आवेदन जो आएगा और जो भी कार्रवाई अपलोड कर देंगे लेकिन आम जनता जो है कैसे देखें? तो उसके लिए भी वेबसाइट में पूरी व्यवस्था है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप देख सकते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है कि ऐसा कहाँ तक उसका रिपोर्ट आपका बढ़ा है आपका केस में प्रगति कहाँ तक हुआ है तो पूरी आपको जानकारी इस वेबसाइट से मिल जाएगी इस ऑनलाइन आवेदन से माध्यम से पोर्टल के माध्यम से मिलने वाला है और इसको समझने के लिए जानने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना दे रहे हैं एक कि कैसे कोई आम आदमी अपना ग्राम कचहरी में मुकदमा दर्ज कर सकता है और कैसे वह उसका रिपोर्ट देख सकता है उसकी प्रगति देख सकता है तो इसलिए उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और दोस्तों बता दे रहे हैं कि ग्राम कचहरी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है ग्राम कचहरियों को डिजिटल बनाया जा रहा है और सरपंच साहब का पावर और बढ़ने वाला है तो यह जो पावर जो है सरपंच साहब को जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जज के जो जैसा पावर मिलने वाला है यह पावर यह होगा कि डिजिटल रूप से सुनवाई करेंगे ऑनलाइन सुनवाई करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटली डिजिटली इसको पूरा अपलोड किया जाएगा तो यह बहुत बड़ा पहल है और ई ग्राम कचहरी के माध्यम से सर ग्राम बिहार के ग्राम कचहरियों में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है जिसकी शुरुआत हो चुकी है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और क्या जानना चाहते हैं कॉमेंट बताइएगा जरूर और सरपंच पंच महोदय हैं आप इस वीडियो को तो सभी तक पहुंचाइए ही इसी के साथ जो एक और वीडियो हम डालने वाले हैं कि कैसे उसका उपयोग करेगी आम जनता हर आम जनता के मोबाइल में हर आम जनता के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ठोक तंत्र और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम